हेलो एवरीवन वेलकम टू दिलिकन गुरुकुल टूज नाइनटीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड लाइक एवरीडे मैं हूँ आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी एसएससी एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन इन इंडिया तो बने रहिए वीडियो के एंड तक बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द जॉय ऑफ लर्निंग न्यू फैक्ट्स एंड कंसेप्ट नाउ द टॉपिक इज गुरु गोविंद सिंह रिसेंटली ऑन जनवरी सेवेंटींथ सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती पूरे भारत में सेलिब्रेट किया गया है एज प्रकाश पर्व सो टॉपिक के डिटेल में जाएंगे लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन विद रेफरेंस टू गुरु गोविंद सिंह कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है ही वॉज द टेंथ एंड लास्ट गुरु ऑफ द दिक्स दूसरा स्टेटमेंट है फाउंडेड द सिख वॉरियर कम्युनिटी कॉल्ड खालसा एंड थर्ड स्टेटमेंट इन ही वॉज एन ऑथर ऑफ द दसम ग्रंथ क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के एनालिसिस में नाउ सम फैक्ट्स अबाउट गुरु गोविंद सिंह ही वाज द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिख ऐसा उन्होंने खुद ही प्रोक्लेम कर रखा था कि उनके डेथ के बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो होली बुक है सिख का उसी को एटरनल गुरु माना जाएगा सिखिजम का गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना बिहार में 1666 में एंड ही वॉज द सन ऑफ गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर नाइन्थ गुरु थे सिख के और सिक्सटीन सेवेंटी फाइव में गुरु तेग बहादुर मुगल एम्पायर औरंगजेब से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और उस समय गुरु गोबिंद सिंह की एज मात्र नाइन ईयर्स ओल्ड होता है और उस समय वो बनते हैं सिखों के दसवें गुरु ही वॉज रिनाउ एज अ वॉरियर अ पोएट एंड अ प्रॉफेट ऑल्सोलिफिक राइटर ही रिमेम्बर्ड बाई सिक्स एज ए डिफेंडर ऑफ द फेथ एंड चैंपियन ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस उनके नोटेबल कंट्रीब्यूशंस रहे हैं सिखिजम में जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सिख वॉरियर कम्युनिटी खालसा जो उन्होंने 1699 में स्टैब्लिश किया था इसके अलावा उन्होंने सिख रिलीजन में फाइव केस दिए हैं पाँच क पहला है केश दूसरा कंघा तीसरा कड़ा चौथा कृपान और पाँचवा कछेरा तो ये पांच ऐसे क हैं जो कोई भी सिख हमेशा धारण किए रहता है केश आपको पता है कि उनके बाल बहुत लंबे होते हैं तो वो पगड़ी बांध कर उसे रखते हैं अदरवाइज कहा जाता है कि जो रियल सिख होते हैं वे जल्दी अपना बाल नहीं कटवाते हैं तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल सेट किया गया था और ये गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा किया गया था थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने मोर देन ट्वेंटी वन बैटल्स लड़े थे जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे जैसे बैटल ऑफ भांगनी बैटल ऑफ नदाऊ बैटल ऑफ चमकौर बैटल ऑफ आनंदपुर बैटल ऑफ मुख्तसर या बैटल ऑफ खिदराना इसमें से इंपॉर्टेंट बैटल्स मुगलों के खिलाफ लड़े गए थे और कुछ बैटल जैसे बैटल ऑफ भांगनी ये राजपूतों के खिलाफ लड़े गए थे तो सिख टेरीटोरी को लेकर जो भी नेबर टेरिटोरी में कन्फ्लिक्ट होता था तो इस तरह से बैटल हुआ करते थे उन्होंने कई सारे लिटरेरी वर्क्स किए थे कई सारे बुक्स को ऑथर किए थे फॉर एग्जाम्पल जाप साहिब तव प्रसाद सवाइये एंड बेंती चौपाई इसके अलावा सिख लॉ को कॉडिफाई करने का कुछ मार्शल पोएट्री लिखने का म्यूजिक कंपोज करने का जो सिख रिलीजन में इंपॉर्टेंट माना जाता है ये सब क्रेडिट भी उनको दिया जाता है और रेपूटेड वर्क जो सिख रिलीजन का माना जाता है टेंथ वॉल्यूम दशम ग्रंथ ये भी उन्होंने ही कंपोज किया था और ये सिख रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह टेंथ गुरु थे सिख रिलीजन के तो ये दसम ग्रंथ भी उनके द्वारा कंपोज किया गया था तो एक पर्सन के रेफरेंस से देखें आप तो एक वॉरियर होना एक पोएट होना और साथ साथ इतने क्रिएटिव वर्क करना अपने आप में एक एक्सेप्शनल पर्सनालिटी को दर्शाता है गुरु गोविंद सिंह प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज द लास्ट एंड ऑफ द पर्सनल गुरुज ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि उन्होंने ये प्रोक्लेम कर दिया था कि उनके बाद कोई भी पर्सन गुरु नहीं बनेगा

ऑन द सेम डे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंस किया था कि ईच ईयर 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे कंट्री में वीर बाल दिवस टू मार्क द मार्चिडम ऑफ सन्स ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहिब जादाज बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह जी साहिब जादा जोरावर सिंह और साहिब जादा फतेह सिंह बोथ वर द सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह 1704 के एक बैटल में मुगल सेना आनंदपुर फोर्ट को चारों ओर से घेर लेते हैं जहां दोनों प्रिंस होते हैं दैट मीनस जोरावर सिंह और फतेह सिंह और मुगल सेना दोनों को बंदी बना लेते हैं फिर वहाँ जो कुछ भी होता है थोड़ा एक ड्रामेटिक स्टोरी आपको देखने को मिलेगा यहाँ और फाइनली सारे सैनिक मिलकर औरंगजेब के आदेश पर उन दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा देते हैं और उसी को याद करते हुए 26 दिसंबर को इंडियन गवर्नमेंट ने यह घोषणा किया था 2022 में यह घोषणा हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट 26 दिसंबर को ईच ईयर वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेगी सो दैट वाज द टॉपिक अबाउट गुरु गोविंद सिंह उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा नाउ द टॉपिक इज अबाउट पनामा कनाल रिसेंटली इसमें सोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरी की है बैरो कोलोरेडो आइलैंड में जो पनामा कनाल में लोकेटेड है यहां उन्होंने डिस्कवरी की है एक 22 मिलियन ईयर्स फॉरेस्ट की इस फॉरेस्ट में प्री हिस्टोरिक इको की एक ग्लिप्स यानी झलक आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा कुछ जियोलॉजिकल फोर्सेस के इविडेंस भी आपको देखने मिलेंगे जो अर्थ प्लानिट के शेप के काउज और इफ़ेक्ट को भी थोड़ा एक्सप्लेन करती है तो इसलिए ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम देखेंगे पनामा कनाल के बारे में कुछ जो फैक्ट है पनामा कनाल से रिलेटेड उसको हम यहाँ पढ़ेंगे बट बिफोर दैट अटेम्प्ट द क्वेश्चन क्वेश्चन है पनामा कैनाल से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं पहला स्टेटमेंट है कि इट इज एन आर्टिफिशियल वाटर वे दैट कनेक्ट द एटलांटिक ओशियन विद द पैसिफिक ओशियन और दूसरा स्टेटमेंट है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज द फुल अथॉरिटी रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द कनाल इसका राइट right आंसर आपको टॉपिक के एनालिसिस में ही मिल जाएगा पनामा कनाल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए दैट इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे इसे ह्यूमंस ने बनाया है जो एटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उसे पता होता है कि केवल स्वेज कनाल ही ह्यूमन मेड है आर्टिफिशियल है नहीं पनामा कनाल भी आर्टिफिशियल वाटर है इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये इस्थमस ऑफ पनामा को कट करता है एकदम बीचों बीच कट करता है तो इस्थमस क्या होता है पनामा कहाँ है तो इस तरह से पैराग्राफ देखने से बेटर होगा कि मैं आपको मैप पर लिए चलूँ इन दिस वर्ल्ड मैप यू कैन सी हेयर इज नॉर्थ अमेरिका और इस तरफ है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता हुआ ये एक नैरो लैंड है और इस नैरो लैंड को कहा जाता है इस्थमस दुनिया में कहीं भी दो मेजर लैंड बॉडी को कनेक्ट करता हुआ एक नैरो लैंड अगर कहीं होता है दैट नैरो लैंड इज़ कॉल्ड इस्थमस जैसे यहाँ इस्थमस ऑफ पनामा है बिकॉज ये बहुत ही नैरो लैंड इन दो मेजर कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है उसी तरह से यहाँ अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करता हुआ स्वेज इस्थम्स है जो इजिप्ट में लोकेटेड है यहाँ यह स्थमस ऑफ पनामा पनामा सिटी में लोकेटेड है इसके अलावा यहाँ करा इस्थम्स है बहुत ही नैरो लैंड बॉडी है तो ये लोकेटेड है थाईलैंड में तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि इस्थम्स क्या होता है और इसी स्थम्स को कट अक्रॉस कर पनामा कनाल बनाया गया था अगर आप इस स्थमस को ठीक से देखें तो यहाँ आपको इस स्थम्स के नॉर्थ साइड में एटलांटिक ओशन दिखेगा और इसके साउथ साइड में पैसिफिक ओशियन दिखेगा और यह पनामा कनाल अबाउट 80 किलोमीटर लॉन्ग है और दुनिया के दो स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल वाटर एक तो है स्वेज कनाल और दूसरा है पनामा कनाल पनामा कनाल में सीरीज ऑफ लॉक्स लगे हुए हैं जिसके द्वारा तो तो इसके वाटर लेवल को रेज किया जाता है या फिर लोअर किया जाता है ताकि शिप्स इसमें अच्छे से ट्रैवल कर सकें इसमें यहाँ देखो कनाल में इस तरह से जो दो गेट लगे हुए हैं यही इसका लॉक सिस्टम है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग यहाँ यूज होता है बहुत खास टेक्नोलॉजी से ये सारे काम किए जाते हैं इसे ऐसे समझो ये बीच में जो पूरा अपर एरिया आपको नज़र आ रहा है ये है पनामा कनाल और उसके इस साइड है यहाँ आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशियन और इस छोर पर है पैसेफिक ओशियन तो बीच का जो पूरा एरिया है ये बहुत हाई लेवल पर है अगर ये गेट्स ना लगे रहें तो फिर सारे के सारे वाटर क्या होंगे तो एटलांटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन में ड्रेन कर जाएंगे और ये पूरा एरिया सूखा रह जाएगा लेकिन अगर सूखा रह जाएगा तो शिप्स तो यहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे तो शिप्स को ट्रैवल कराने के लिए ये बहुत ही हाई लेवल इंजीनियरिंग यहाँ पर किया गया है क्या किया गया है उसे ठीक से समझो शिप अगर पैसिफिक ओशियन में आ गया है और उसे जाना है एटलांटिक ओशियन में तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले सपोज शिप यहाँ है वाटर लेवल तो यहाँ अप है ये वाटर लेवल यहाँ का है जो यहाँ मैंने आपको यहाँ दिखाया है ये वाटर लेवल यहाँ का है तो शिप यहाँ से ऊपर कैसे उठेगा इसे ऐसे समझो शिप को पहले हम ले आएंगे यहाँ शिप हमारा यहाँ आ गया उसके बाद यह गेट को लॉक कर दिया जाएगा इस गेट को लॉक कर इस गेट को खोल दिया जाएगा जैसे ही ये गेट लॉक होगा और यह गेट खुलेगा वाटर लेवल जो होगा ये यह यहाँ से फ्लो करेगा डाउन और देखते ही देखते यहाँ से लेकर यहाँ ये यह पूरा डिस्टेंस के लिए वाटर लेवल बराबर हो जाएगा और इसी बीच शिप भी ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होगा और वाटर लेवल समझ लो यहाँ तक आ जाएगा और ये गेट उस समय लॉक रहेगा तो इस तरह से शिप ऊपर उठ जाएगा शिप आगे ट्रैवल करके इस पॉइंट तक आएगा दैट मीन्स शिप जो यहाँ तक था हमारा अब यहाँ तक आ गया फिर सेम प्रोसेस हम फिर से दोहराएंगे फिर हमारा शिप यहाँ है नीचे का लेवल है वाटर लेवल ऊपर है तो क्या करेंगे पहले हमारा शिप उसके अंडर यहाँ नीचे वाले लेवल में एक गेट के अंदर यहाँ समझ लो कि यहाँ जब आया था तो इस गेट को यहाँ लॉक कर दिया जाएगा इस गेट को यहाँ खोल दिया जाएगा वाटर यहाँ से गिरेगा इस पर इक्वल एकदम हो जाएगा और ये गेट लॉक रहेगा तो शिप हमारा ऊपर उठ जाएगा और वाटर लेवल यहाँ इक्वल हो जाएगा शिप हमारा आगे बढ़ेगा फिर यहाँ तक आएगा जैसे ही हमारा शिप यहाँ तक आएगा तो यहाँ का गेट को फिर लॉक किया जाएगा और इस गेट को खोल दिया जाएगा फिर वाटर नीचे आएगा तो शिप हमारा फिर से ऊपर उठेगा शिप हमारा यहाँ आएगा इस तरह से शिप हमारा ट्रैवल करके ये गैटून लेक है जो पनामा सिटी में लोकेटेड है और इस तरह से ट्रैवल कर फिर अटलांटिक ओशन के तरफ निकल जाएगा तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है गेट लॉक इसी तरह से काम करता है पनामा सिटी में पनामा लेक में और इसका अगर कुछ और डिटेल्ड चाहिए आपको तो यूट्यूब पर एनिमेशन के द्वारा इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है गो एंड रिसर्च पनामा कनाल के कंस्ट्रक्शन शुरू होता है एटीन में बाय फ्रांस लेकिन कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स और डिजीज आ जाने के कारण फ्रांस का ये इनिशिएटिव फेल कर जाता है फिर फोर्थ में 1904 में यूएसए इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है और फिफ्टींथ अगस्त 1914 में इस कनाल को ओपन कर देता है और 1999 तक इस कनाल का पूरा मैनेजमेंट यूएसए के ही हाथों में रहता है इसी बीच 1977 में यूएसए और पनामा के बीच एक ट्रीटी साइन होती है टॉरी जॉस कार्टर ट्रीटीज और इसी ट्रीटीज के आधार पर दिसंबर 31, 1999 में पनामा टू कवर फुल ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कनाल तो इस तरह से आज के डेट में यह कनाल पनामा सिटी के अंडर है

टॉपिक के डिटेल डिस्कशन से पहले ये क्वेश्चन व्हाट इज इंडिकम दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली ए ए प्लांट एन फाइटोपैथोजेनिक फंगस अ हर्बिसाइड रेसिस्टेंट क्रॉप क्वेश्चन का राइट right आंसर आपको टॉपिक के डिटेल डिस्कशन में ही मिल जाएगा रिसेंटली साइंटिस्ट ने केरला में फंगस के एक न्यू स्पेसिज को डिस्कवर किया है और उसका नाम दिया है पारा माइरोसियम इंडिकम ये एक्चुअली एक फाइटोपैथोजेनिक फंगस है फाइटो फाइटोमींस होता है प्लांट से रिलेटेड और पैथोजेनिक का मतलब होता है लाइक पैरासाइटिक नेचर तो इस तरह से फाइटोपैथोजेंस ऐसे पैरासाइट होते हैं जो प्लांट होस्ट में सर्वाइव करते हैं आपको पता होना चाहिए कि पैरासाइट वैसे क्रिएचर को कहा जाता है जो किसी और के बॉडी में रहता हो किसी प्लांट में रहता हो किसी एनिमल में रहता हो लेकिन जिसके अंदर रहता हो उसी का न्यूट्रिएंट्स लेकर खुद फीड ऑन करता हो और जिसके अंदर वो रह रहा है उसको हार्म भी पहुँचाता है ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है पैरासाइट का हमारे पेट में कभी कभी किरमी हो जाती है वॉर्म हो जाता है टेप वॉर्म रिंग वार्म इस तरह से बहुत सारे वॉर्म होते हैं जो हमारे स्टोमक में हो जाते हैं तो उसको भी पैरासाइट ही कहा जाता है तो ये भी एक तरह का पैरासाइट है जो प्लांट में रहता है फाइटोपैथोजेंस है और ये फंगस सीरियस प्लांट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को भी निगेटिवली इफेक्ट कर सकता है लिफ स्पॉट्स भी इसके कारण होते हैं और ये पारामैरोसियम ये फंगस ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है जिसमें बायो हर्बिसाइडल पोटेंशियल होता है तो ऐसा माना जाता है कि हम यानी कि ह्यूमन बींग्स इस फंगस का भी एक सही यूज ले सकते हैं इन कंट्रोलिंग वीड्स इन द कमिंग टाइम तो हो सकता है आने वाले समय में हम वीड्स को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करें जो इसमें बायो हर्बिसाइडल पोटेंशियल्स वाला मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होता है इसके द्वारा उसका यूज हम करें वीड्स को कंट्रोल करने में लेकिन अभी तक तो ये हार्मफुल ही है प्लांट के लिए नाउ सम की फैक्ट्स अबाउट फनजाई आपको पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स को फाइव किंगडम्स में हमने बांट कर रखा है एनिमिलिया प्लांटी मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई तो फनजाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इट इंक्लूड्स यीस्ट रस्ट्स स्मट्स मिल्ड एंड मोल्ड्स मशरूम्स दीज आर यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वेल well डिफाइंड होते हैं इनके सेल के अंदर एंड देयर सेल कंटेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई यूजुअली रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली एंड रिसेंटली यूनाइट नेशन्स बायोडाइवर्सिटी ने लोगों से ग्लोबली ये अर्ज किया था कि जब भी किसी जगह को डिस्क्राइब करने के लिए किसी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप उसके फ़्लोरा और फौना का वर्ड यूज करते हैं फ्लोरा एंड फौना और वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को प्लांट बायोडाइवर्सिटी को दिखाते हैं तो वहाँ आप साथ में फंजा वर्ड भी यूज कीजिए बिकॉज़ फंजा इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्लांट के फाइव किंगडम में ये फंजाई वर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है नाउ सम फैक्ट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंजाई फनजाई का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर हर जगह है जहाँ भी उन्हें सफिसियंट मॉइस्चर मिलता है ग्रो करने के लिए तो वो ग्रो करते हैं चाहे वो टेरेस्ट्रियल पार्ट हो अर्थ का या एक्वाटिक हो एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर मरीन इन्वायरमेंट्स हर जगह फंजाई ग्रो करते हैं टेम्परेट रीजन में ट्रॉपिकल रीजन में हर जगह वो ग्रो करते हैं सॉयल में डेड प्लांट्स में क्योंकि जो एक रिसाइकलिंग होता है कार्बन का जो कोई भी प्लांट या एनिमल डेड हो गया तो फिर से वो एक न्यू साइकिल में आ सके फिर से वो सॉइल में जा सके इसका जो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो फंजाई के ही ऊपर होता है दैट्स वाई फंजाई आर सो मच इम्पॉर्टेंट और अगर आप प्लांट की बात करें तो वहाँ बहुत सारे डिजीज का कारण फंजाई होता है मिल्ड्यूज रस्ट स्कैप्स और कैंकर इन क्रॉप फंगल डिजीज कैन लीड टू सिग्निफिकेंट मॉनिट्री लॉसेज टू द फार्मर और स्मॉल नंबर ऑफ़ फंजाई जो कि एनिमल को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है वो है एथलीट्स फूड रिंग वॉर्म एंड थ्रश इसके अलावा बाल्डनेस भी फंजाई के ही कारण होता है और फंजाई आर इसेंशियल टू मेनी हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस नोटेबली द मेकिंग ऑफ ब्रेड वाइन बियर एंड सर्टेन चीजेज तो फंजाई हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल uh, भी है और बहुत हार्मफुल भी है सो दिस वॉज अबाउट फंगाई और उम्मीद है क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा ना द टॉपिक इज अबाउट पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स पिनाका का एम बी आर एल अकॉर्डिंग टू डिफेंस ऑफिशियल्स कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है इंडिया से पिनाका का एम बी आर एल खरीदने में सो so, टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन फॉलोइंग regarding रिगार्डिंग weapon system. वेपन सिस्टम इट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर डेवलप्ड बाय इंडिया एंड द is, स्टेटमेंट इज इट हैज रेंज ऑफ मोर thousand किलोमीटर क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट launchers कुछ इस तरह से दिखते हैं और इसे 1986 से प्रेजेंट तक डिजाइन किया जा रहा है ए आर डी ई के द्वारा आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट विच वर्क्स अंडर डी आर डी ओ तो डी आर डी ओ के अंडर ए आर डी ई इसका डिजाइनिंग करता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है यंत्र इंडिया लिमिटेड टाटा ग्रुप लार्सन एंड ट्यूब्रो एंड सोलर इंडस्ट्रीज इन सब के द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इफेक्टिव फायरिंग रेंज है इसका थर्टी सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर से सेवेंटी फाइव किलोमीटर तक और मैक्सिमम फायरिंग रेंज होता है 90 किलोमीटर तक और इसके कुछ वार हेड भी होते हैं जो यहाँ आपको दिए गए हैं और वार हेड वेट कितना होता है हंड्रेड के इसे फर्स्ट टाइम नाइनटीन के करगिल वार में यूज किया गया था अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी इट डिलीवर्स लीथल एंड रिस्पॉन्सिव फायर अगेंस्ट अ वायटी ऑफ एरिया टारगेट्स जैसे एनिमी ट्रूप्स आर्मर्ड एंड सॉफ्ट स्किन व्हीकल्स कम्युनिकेशन सेंटर्स एयर टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस एंड फ्यूल एंड एमिनेशन डंप्स इन सब जगहों पर इससे वार करना बहुत ही इफेक्टिव होता है फीचर्स की बात करें तो एक मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल होता है जिस तरह से आप यहां पिक्चर में दिख रहा होगा आपको ये मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल है इस ट्रक के शेप में एंड ए एंडिशमेंट व्हीकल एंड ए कमांड पोस्ट व्हीकल इस तरह से तीन व्हीकल के साथ एक साथ ये चलता है सो दैट वॉज सम फैक्ट्स अबाउट पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स आई होप यू गॉट द राइट आंसर नाउ द टॉपिक इज अबाउट कोलम ट्राइब रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो कुछ बेसिक फैसिलिटीज एक्सटेंड करेंगे टू द इंडेंजर्ड कोलम ट्राइब अंडर द जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जन मन अभियान विद अ फोकस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन तो टॉपिक के डिटेल में जाएंगे लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोलम ट्राइबल कम्युनिटी दे आर लिस्टेड एज पार्टिकुलरली वर्लरेबल ट्राइवल ग्रुप्स पी वी टी जी एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज दे आर फाउंड मेनली इन नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स लाइक ऑलवेज क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में नो सम फैक्ट्स अबाउट कोलम ट्राइब्स कोलम ट्राइब्स मध्य प्रदेश के एक मोजर पोर्सन को उपाय करते हैं दे आर ऑल्सो नॉन एज कोलम्बोली कुलमे एंड कोलमी उनका मेन कंसेंट्रेशन होता है प्लेन्स पर और माउंटेनियस रीजन पर इंडिया में इन ट्राइबल ग्रुप्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में इनलिस्ट किया गया है अपार्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश वे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों में मिलते हैं दे आर लिस्टेड एज पार्टिकुलरली वर्लरेबल ट्राइबल ग्रुप्स दैट इज पी इन महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश इनकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो ट्वेल्थ सेंचुरी से ये गोंड ट्राइब के लिए प्रिस्ट के तरह सर्व करते थे उनका कुछ रिचुअल्स को इन्होंने बहुत अच्छे से सीख लिया था इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट द कोलम डिसेंडेड फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन इन द एरिया विच मीन्स इनके जो भी पूर्वज रहे होंगे एंसेस्टर्स रहे होंगे वो यहाँ पर अर्ली टाइम्स से रहते आ रहे हैं ये कहीं और से यहाँ आकर नहीं बसे हैं दे आर द ओरिजिनल डिसेंडेंट्स ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया कोलम ट्राइब्स यूज टू लिव नियर द गोंड ट्राइब्स एंड दैट्स वाई उनका बहुत सारा लाइफ स्टाइल गोंड लाइफ स्टाइल की तरह मिलता जुलता हमें दिखता है कोलम ट्राइब्स डिफरेंट क्लैंस में डिवाइडेड हैं जैसे चल देव पच देव सह देव एंड सतदेव और क्लांस का मीनिंग यहाँ गोत्र होता है और सेम क्लैन में मैरिज परमिशिबल नहीं होता है सेम क्लैन में शादी आप नहीं कर सकते हैं आप याद कर लो खाप पंचायत को बिल्कुल उसी तरह से कुछ याद आ रहा है कोलम्स यूज द नेम ऑफ देयर क्लांस एज देयर सर नेम्स सोसाइटी इज पैट्रीलियर और फार्मिंग और फॉरेस्ट वर्किंग का, का काम ये करते हैं अक्सर द्रविड़ियन लैंग्वेज बोला करते हैं लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं वो मराठी तेलुगु और गोंडी भी बोल लिया करते हैं फॉर राइटिंग दिस कोलमी ट्राइबल कम्युनिटी यूज द फेमस देवनागरी स्क्रिप्ट नाउ सम फैक्ट्स अबाउट पार्टिकुलरली वर्लरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आपको पता होना चाहिए इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 8.6 परसेंट पॉपुलेशन है ट्राइबल पॉपुलेशन और उन ट्राइबल पॉपुलेशंस में भी कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो लेस डेवलप्ड हैं मोर वर्नरेबल हैं उनको कहा जाता है पार्टिकुलरली वलरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इसकी शुरुआत होती है 1973 में जब धेबार कमीशन ने प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स करके एक नया लिस्टिंग चालू किया था लेकिन 2006 में गवर्नमेंट ने इसे रीनेम किया और इसका नाम हो जाता है पी 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीवीटीजी कैटेगरी में 52 ट्राइबल ग्रुप्स को एनलिस्ट किया था लेकिन टाइम के साथ इसमें चेंजेस आते रहे एट प्रेजेंट टाइम देर आर 75 फाइव पी वी टी आउट ऑफ 705 हंड्रेड ट्राइब्स पूरे भारत में 705 हंड्रेड ट्राइब्स हैं जिसमें सेवेंटी फाइव पी वी टी हैं और उनमें से एक है कोलम दैट्स वाई दिस वॉज सो मच इम्पॉर्टेंट कि हम इसके बारे में इतना डिटेल में जाकर पढ़े थे नाउ सम की फैक्ट्स अबाउट पी एम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम ये एक मेगा स्कीम है जिसमें कई सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इंक्लूडेड हैं एंड इट वाज लॉन्च्ड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पी जिसमें इसका एक खास फीचर है उनका हैबिटेशन हाल ही में ये अनाउंस किया गया है कि उनके पक्का मकान के लिए पी ग्रुप के लिए पक्का मकान के लिए करीब फोर हंड फाइव हंड्रेड फोर्टी करोड़ रुपीज़ रिलीज़ किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इस स्कीम का अप्रोक्सीमेट बजट है ट्वेंटी फोर थाउजेंड करोड़ फोकसेस ऑन एलेवन क्रिटिकल इंटरवेंशन थ्रू नाइन मिनिस्ट्रीज इस मेगा स्कीम के मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए रुपीज़ फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ रुपीज़ ईच ईयर भेजे जाएंगे डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में It is part of Pradhan Mantri Particularly Vulnerable Tribal Groups Development Mission that Finance Minister Nirmala Sitaraman announced in the Union Budget 2023 24 in the February 2023. On this note, I am concluding the topic. I hope you got the right answer. Before starting the topic, let's have a question. Recently, Japanese yen dominated green bonds were issued by REC Limited, Reserve Bank of India, Ministry of Power, Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

और ये बॉन्ड इशू हुआ है अंडर द ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम नाउ सम की फैक्ट्स अबाउट द येन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स आरई लिमिटेड का इस तरह का इश्युएंस ये एलेवेंथ वेंचर है इनटू द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट लेकिन अगर येन करेंसी में बात करें तो ये इनेगुरल बॉन्ड इश्युएंस है और ग्रीन बॉन्ड्स की बात करें तो ग्रीन बॉन्ड्स तो में येन डिनोमिनेशन के साथ ये पहला ऐसा इशुएंस हुआ है बाय एनी इंडियन पी इससे पहले कोई भी इंडियन पी येन करेंसी में ग्रीन बॉन्ड लेकर नहीं आया था टाइम पीरियड होगा इस बॉन्ड का फाइव ईयर्स फाइव पॉइंट टू फाइव ईयर एंड टेन ईयर्स एंड रेस्पेक्टिवली उसका जो येल्ड होगा वो होगा वन पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट वन पॉइंट सेवन नाइन परसेंट एंड टू पॉइंट टू जीरो परसेंट रेस्पेक्टिवली एंड इट इज द लार्जेस्ट इवर येन इशुएंस इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया लार्जेस्ट येन डिनोमिनेटेड इशुएंस फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट नॉन सावरिन देखो गवर्नमेंट अगर करे तो वो सॉवरेन होता है लार्जेस्ट नॉन सॉवरेन यन डेनोमिनेटेड इशुएंस ईवर फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया और इसको लेकर बहुत ही एक जो कहेंगे क्रेजीनेस देखा जा रहा है खरीदने में ऑल ओवर इंटरनेशनल अकाउंट्स में भी और इंडियन और जापानीज अकाउंट में भी देखा जा रहा है कि लोग इसे खरीद रहे हैं और 50 परसेंट अधिक इसमें इंटरेस्ट देखा जा रहा है अदर डील अदर इंडियन डील्स में एंड दिश बॉन्ड्स विल भी रेटेड बी ए थ्री एंड बी 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 प्लस मूडीज फिच जे सी आर ये सब रेटिंग होता है जो बॉन्ड के क्रेडिबिलिटी को रेटिंग करता है और इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट की बात करें तो इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया आई एन एक्स एन एस सी आई एफ एस सी इन गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में भी इसे एक्सक्लूजिवली लिस्ट किया जाएगा सो दिस वॉज अबाउट आर ई सी इशूड यन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स सो दैट वॉज द टॉपिक एंड आई होप क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस बी आर गवई को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन के रूप में नॉमिनेट किया गया है सो नो फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी इसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के सेक्शन 3 ए के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जिसका काम है फ्री एंड कॉम्पिटेंट याद रखना ओनली फ्री नहीं फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन केसेस फॉलिंग अंडर द टॉप कोर्ट्स जुरिस्टिक्शन यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस आएगा वहाँ वीकर सेक्शंस के लोगों को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना इस कमेटी का काम है इन द सेम सेक्शन सेक्शन थ्री ए ऑफ द सेम एक्ट यह भी डिस्क्राइब किया गया है कि इस कमिटी को नालसा कॉन्स्टिट्यूट करेगी नालसा मीन्स नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सो जैसे ही बात नालसा की आती है तो इसका मतलब है बुद्ध द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी विल बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी जे आई फर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट द सेक्रेटरी टू द कमेटी इसमें देख लो एक बात जान लो यहाँ जो चेयरमैन होंगे वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए और उसके साथ कुछ मेंबर्स भी होंगे और मेंबर्स की जहां तक बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी क्वालिफिकेशन को प्रेस्क्राइब करेगी वो सिर्फ क्वालिफिकेशन को प्रेस्क्राइब करेगी जहां तक बात सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो वो सिर्फ क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब करेगी जो भी मेंबर है उसे नॉमिनेट करने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है ये सारा पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है द कमिटी इन टर्न कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड अदर इम्प्लाइज एज प्रेस्क्राइब बाई सेंटर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 27 ऑफ द 1987 एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन कर इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को लागू करने के लिए किसी भी तरह का रूल बनाकर नोटिफिकेशन निकाल सकती है ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है लेकिन आफ्टर ऑल यहां उसे कंसल्ट करना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बियॉन्ड दिस फैक्ट्स इस कमेटी के मेंबर्स के नंबर कितने होंगे इनका एक्सपीरियंस क्या होगा और क्वालिफिकेशन क्या होगा ये सारी बातें नालसा रूल्स 1995 के रूल नंबर no. 10 में डिस्क्राइब किया हुआ है अंडर दिस एक्ट ऑफ नाइन थ्री टायर्ड ऑथोरिटीज आर फॉर्म्ड ऑल ओवर इंडिया सबसे सुप्रीम में है नालसा जिसका एक सीट सुप्रीम कोर्ट में होता है इसे 1995 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और स्टेट लेवल पर हर एक स्टेट का हाई कोर्ट में होती है एस एल एस ए या फिर सालसा भी आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डी एल एस एंड सेम बॉडी तालुक लेवल या सब डिविजन सब डिविजनल लेवल पर भी बनाया गया है नालसा की बात करें तो इसका मेजर वर्क है टू मॉनिटर एंड इवेल्यूएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड्स प्रोग्राम्स और जो भी एलिजिबल ग्रुप्स हैं जिसके बारे में अभी मैंने बात की उन एलिजिबल ग्रुप्स तक सर्विस पहुँचे ये जो लीगल एड सर्विसेज हैं वो उनको मिले इसके लिए पॉलिसीज बनाना ये काम है नालसा का और एस एल एस ए का काम है नालसा का जो भी पॉलिसी और डायरेक्शन मिला है उन्हे, उन्हें उन्हें ठीक से इम्प्लीमेंट करना ताकि लोगों को सर्विसेज अवेलेबल हो पाए और इसके साथ साथ लोक अदालत्स भी कंडक्ट करना ऑल ओवर द स्टेट ये काम है सालसा का और सालसा के जो हेड होते हैं मतलब सालसा हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जिस भी स्टेट का वो सालसा है उस स्टेट का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही एसएलएसए के हेड होंगे नो सम की फैक्ट्स अबाउट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। इस एक्ट को लाया गया था टू गिव अस्टैचूटरी बेस टू लीगल एड प्रोग्राम्स इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको आर्टिकल थर्टी नाइन ए समझाता हूँ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डी पी एस पी में एक आर्टिकल थर्टी नाइन ए को इंट्रोड्यूस किया गया था नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में वाया द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट वही एक फेमस फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कभी कभी तो उसी के अंडर आर्टिकल थर्टी नाइन ए को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था इस आर्टिकल में स्टेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि स्टेट सेल्फ सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रोमोट्स जस्टिस ठीक है और भी कई सारी बातें हैं तो यहाँ एक और बात है प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाई सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स और इन बाय अदर वे एंड टू इंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाई रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसबिलिटीज आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ कितनी बड़ी बात कह दी गई है कि किसी भी सिटीजन को इकोनॉमिक रीजन से उसे जस्टिस से डिप्राइव नहीं किया जा सके उसे जस्टिस से वंचित नहीं किया जा सके ऐसा प्रबंध स्टेट करेगी चाहे स्कीम लाए चाहे ऐसा कानून लाए चाहे कोई भी रास्ता निकाले लेकिन किसी भी सिटीजन को फिनेंशियल कमजोरी के कारण से जस्टिस से वो डिप्राइव ना हो ऐसा कुछ करे इंडियन स्टेट सो दिस वाज आर्टिकल थर्टी नाइन ए आप सब जानते हैं ये डीपीएसपी में है तो डीपीएसपी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता तो ये जो लीगल एड वाली बात है इसे स्टैचूटरी बेस देने के लिए यह लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लाया गया था नाइनटीन में इसका एम है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू एलिजिबल ग्रुप्स इंक्लूडिंग वेमेन चिल्ड्रेन एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस कैटेगरीज इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिसेबल्ड पर्सनस एंड अदर्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह का रेप्लीकेशन होता है डी एल एस ए दैट इज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जिसकी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होती है एंड इट इज चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट तालुका या सब डिविजनल लीगल सर्विसेज कमिटी को हेड करते हैं सीनियर सिविल जज सो दीज वर द इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल सर्विस अथॉरिटीज आई होप यू लाइक ऑन दिस नोट आई कंक्लूड द टॉपिक होप यू लाइक द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग